भूतिया हॉस्टल। यह कहानी भोपाल के एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। परिवार की मुखिया कमला दास हैं, लेकिन पूरे घर पर हुकूमत उनकी पत्नी पद्मिनी देवी की चलती है। इसके चलते पद्मिनी ने अपने बेटे वैभव का प्रवेश दिल्ली के एक अच्छे विद्यालय में कराने हेतु आवेदन पत्र भर दिया है। आज उस विद्यालय की प्रवेश सूची जारी होने वाली है। पद्मिनी वैभव के चयन को लेकर बहुत बेचैन है। वहीं कमला दास को इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वह चाहता है कि वैभव उनके व्यापार को आगे बढ़ाए। माँ, पिताजी, कहाँ हो आप दोनों? दिल्ली के सबसे अच्छे स्कूल में प्रवेश हेतु मेरा चयन हो गया है। दोनों अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। तुम खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बाहर जाकर पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारा इतना बड़ा व्यापार है, उसे संभालो। ओहो, छोड़ो भी, तुम क्या जानो पढ़ाई लिखाई का महत्व। अगर बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, अपना एक मुकाम बनाना चाहता है, तो इसमें हर्जी क्या है? तुम नहीं जानती हमारे बच्चे को कितनी दूर जाकर हॉस्टल में रहना पड़ेगा, वहीं का खाना खाना पड़ेगा, वहां उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होगा। मैंने सुना है कि वहां का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हमारे वैभव को तो बाहर के खाने की आदत भी नहीं है। और तो और बड़ी कक्षा के बच्चे नए बच्चों की रैगिंग भी खूब करते हैं। ऐसे में वो पढ़ाई क्या खाक करेगा? आप कुछ ज्यादा सोच रहे हो। देख लेना, वैभव के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वह स्वयं अपनी देखभाल करना जानता है। बस आप इसे खुशी खुशी विदा करने की तैयारी कीजिए। अच्छा भाग्यवान, तुम जीती मैं हारा, जैसी तुम्हारी और वैभव की इच्छा। तीनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। अगले दिन स्वयं कमला दास वैभव को दिल्ली छोड़ने गया। एक ही दिन में वह दाखिले की सारी औपचारिकताएं पूरी कर अपने घर लौट आया। इधर वैभव बहुत खुश है। यार, कितना अच्छा स्कूल है, अब बस मुझे खूब मन लगाकर पढ़ना है, अपने सपनों को पूरा कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। वैभव ने अपनी कक्षा में प्रवेश किया। प्रवेश करने के तुरंत बाद एक एक कर सभी अध्यापक अपना पीरियड लेकर चले गए। इस दौरान वैभव की दोस्ती अपनी कक्षा की सहपाठी सुरभि से हो गई। बात बात में पता चला कि दोनों का एक ही हॉस्टल है। वैभव और सुरभि दोनों पीरियड खत्म होने के बाद अपने हॉस्टल की ओर रवाना हो गए। हॉस्टल के बाहर उनके सीनियर्स का एक समूह, जिसमें छात्र छात्राएं दोनों शामिल थे, पहले से ही अपने जूनियर्स के स्वागत में खड़ा था। इनके समूह के कप्तानों का नाम प्रयाग और वैशाली था। वो देखो, दो लोग इधर ही चले आ रहे हैं, चलो इन्हें मजा चखाते हैं। पहले मैं, देखते हैं कितने पानी में हैं ये दोनों। या शोर, क्या तुम सब तैयार हो? जी बॉस। क्या आप बता सकते हैं कि कमरा नंबर 36 कहाँ है? वैशाली पानी की बोतल को हाथ में झुलाते हुए, ओ हेलो, क्या हम तुम्हारे सर्वेंट हैं? जाति कहाँ है, पहले अपना इंट्रोडक्शन तो देती जा। मेरा नाम सुरभि है, मैंने इस विद्यालय में 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। तुम्हें गिटार बजाना आता है? नहीं। लो पकड़ो, बजाओ इसे। मुझे सच में इसे बजाना नहीं आता है। जैसा भी आता है बजाओ। सुरभि गिटार को जैसे तैसे बजाती है। सो बोरिंग, यू कैन गो। देखा कैसी बहनजी टाइप है, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा, बालों की दो चोटी। यू समूह सुरभि पर हंसता है। अब तू इधर आ। क्या बे, कहाँ जा रहा था? देखता नहीं हम तुमसे सीनियर हैं? ये घूर घूर कर किसे देख रहा है? हमारा अभिवादन कौन करेगा, तुम्हारा बाप? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं कि अपने से बड़ों का अभिवादन कैसे करते हैं? नमस्ते भैया, ये किस भाषा में बात कर रहा है? गुड आफ्टरनून बोल। और ये भैया भैया क्या लगा रखा है, सर बोल, समझा? गुड आफ्टरनून सर। ले ये गुलाब का फूल, उस लड़की को देकर आ। नहीं सर, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है, आप किसी और को ये सब करने के लिए बोल दीजिए। जाता है या लगाऊं एक कान के नीचे? दीदी, ये फूल आपको उन भैया ने देने को कहा है। क्या है ये? मैं तुम जूनियर्स की चालाकियां खूब समझती हूँ, आइंदा अपनी हद में रहना, चल फुट यहाँ से। बेचारा वैभव सीनियर्स के ऐसे बर्ताव से मानो उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए हो। वह वहाँ से मुंह लटका कर अपने कमरे की ओर चल दिया।
यहाँ हॉस्टल के विद्यार्थियों को सारी सुविधाएं प्राप्त थी, इसलिए किसी भी विद्यार्थी को अपना निजी सामान लाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ विद्यालय के हॉस्टल प्रशासन का एक और नियम था कि एक सीनियर के साथ एक जूनियर को कमरा साझा करके रहना पड़ता था। वैभव को भी अपने किसी सीनियर के साथ कमरा साझा करना था। अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद वैभव प्रशासन की ओर से मिले सामान का निरीक्षण कर ही रहा था, तभी प्रयाग ने भी कमरे में प्रवेश किया। तुम यहाँ भी? मुझे तुम जैसे ढीले दिमाग की बत्ती के साथ कमरा साझा करना होगा। इम्पॉसिबल। देख बेटा, मुझसे दूर रहना, पंगा लेने की कभी कोशिश मत करना। अब देख मैं तुझे अपने कमरे से कैसे भगाता। वैभव ने प्रयाग के भय से अपनी गर्दन नीचे की हुई थी, उसने हामी के रूप में केवल अपना सिर हिला दिया। दोनों खाना खाने के बाद अपने अपने बिस्तर पर सो गए। करीब रात के 12 बजे दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज से वैभव की नींद टूट गई। उसने पहले प्रयाग को देखा और फिर दरवाजे को देखा। उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। ये जरूर प्रयाग सर द्वारा मुझे डराने की साजिश है। इस बार मैं ऐसे ही आंखें बंद करके देखता हूँ, आखिर ये क्या करते हैं। कुछ देर बाद दोबारा दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज आती है। वैभव कौंधती बिजली के समान पुनः आंखें खोलकर देखता है, लेकिन उसे कमरे में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। बाहर निकल कर देखता हूँ, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। शायद वो आवाज इधर से आ रही थी। कौन कौन है वहाँ? सामने आओ। ठीक कॉरिडोर के सामने उसे एक आकृति दिखाई देती है। वह ऊपर से नीचे सफेद चमकदार कपड़े से ढकी हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे चलकर उसके पास आती है। अरे हमें नहीं पहचानते क्या? हम हैं मास्टर त्रिलोचन शर्मा, इस हॉस्टल के पुराने वार्डन। वैभव कुछ समय के लिए सहम जाता है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि मिस्टर त्रिलोचन शर्मा इस हॉस्टल के वार्डन होने के साथ साथ हिंदी भाषा के अध्यापक भी थे, जिनका देहांत हुए साल भर से ऊपर हो गया था। उन्हें देख वैभव वहीं लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आसपास कुछ दोस्त, सीनियर्स और हॉस्टल के तत्कालीन वार्डन गोपेश्वर नाथ को खड़े हुए देखा। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आया? तुम अपने कमरे में हो वैभव। कल रात हमें हॉस्टल के कॉरिडोर में बेहोश मिले थे, छात्रों की मदद से हम ही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। इतना कहते ही वैभव की आंखों के सामने रात का सारा दृश्य घूम गया। उसने उन्हें सारी बात बताई। किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। नहीं वैभव, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। अब हम चलते हैं, तुम आराम करो, हम कल फिर तुमसे मिलने आएंगे। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन सुरभि को भी मास्टर त्रिलोचन शर्मा का भूत अपने कॉरिडोर की खिड़की पर हवा में उड़ता दिखाई दिया। कुछ देर बाद मास्टर त्रिलोचन शर्मा का भूत बिल्कुल सुरभि के सामने था। वह बड़े आराम से हॉस्टल के कॉरिडोर में गश्त लगा रहा था। यह देख सुरभि डर कर हॉस्टल के काउंटर की ओर दौड़ने लगी। वहां उसे वैभव मिला। वैभव को देख कर सुरभि की जान में जान आई। भगवान का शुक्र है तुम मुझे यहीं मिल गए, ना जाने आज मेरा क्या होता। क्यों क्या हुआ? तुम इतना क्यों हाँफ रही हो? सब ठीक तो है ना? मैंने अभी मास्टर त्रिलोचन शर्मा के भूत को कॉरिडोर में देखा। क्या तुमने भी उन्हें देखा? ये तो हमारे हॉस्टल के लिए बहुत बड़ी समस्या है। खैर इसके बारे में कल सुबह कुछ सोचते हैं, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। हॉस्टल में मास्टर त्रिलोचन शर्मा के भूत से आने वाले सारे नए छात्र छात्राएं परेशान थे। स्कूल प्रशासन भी इससे परेशान हो गया था। कई तो भय के कारण हॉस्टल छोड़ बाहर रहने लगे और कई अपने घर चले गए। यार इस हॉस्टल में मुझे कुछ अटपटा लग रहा है। मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि ये भूत सिर्फ जूनियर छात्र और छात्राओं को ही क्यों दिखाई देता है, उन्हें ही क्यों परेशान करता है। सवाल तो मेरे मन में भी है कि आखिर हमने उस भूत का क्या बिगाड़ा है। हमें इस मामले की तह तक जाना होगा, इसके लिए मेरे पास एक गुप्त योजना है। उसी रात जब हमेशा की तरह मास्टर त्रिलोचन का भूत अपने राउंड पर था, तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। और भाई कैसे हो? कौन? अरे यार हमारी ही नकल करते हो, हमें ही नहीं पहचानते। ये तो वही बात हुई हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं। हम हैं मास्टर त्रिलोचन शर्मा, बल्द दशरथ प्रसाद शर्मा, यहाँ के असली वार्डन।
बहुत दिनों से हमारी नजरें तुम पर हैं। कई दिनों से हम तुम्हें यहाँ गश्त लगाते हुए देख रहे हैं। क्यों, हॉस्टल में आए नए छात्र छात्राओं को रैगिंग के नाम पर खूब सताते हो? आज अच्छे मिले। इतना सुनना था कि पहला भूत सरपट सीढ़ियों से चलकर ऊपर की ओर भागा, दूसरा भूत भी उसके पीछे पीछे ऊपर की ओर गया। ऊपर एक लड़का पहले से बैठा हुआ था। पुतला लटका दूं बॉस? अबे पुतले को मार गोली और देख, असली मास्टर त्रिलोचन का भूत हमसे मिलने आ गया है। दूसरे लड़के ने एक बार असली मास्टर त्रिलोचन के भूत को देखा और चीख मार कर वहीं बेहोश हो गया। इस बार तो छोड़ देता हूँ, अब यहाँ कभी किसी को सताते हुए दिखा तो सोच लेना। इसके बाद मास्टर त्रिलोचन का असली भूत नीचे उतर कर एक कमरे में चला गया। वहाँ सुरभि और कुछ नए छात्र पहले से ही बैठे हुए थे। कहिए मास्टर साहब, कैसी रही आज की गश्त? इतना सुनने के बाद सुरभि के साथ सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। वैभव असली मास्टर त्रिलोचन के रूप में, हमारा नकली मास्टर तो एकदम फट्टू निकला। बेचारे की हालत अब तक गंभीर बनी हुई है। हाँ, इतना तय है कि अब वो हमसे पंगा लेने की नहीं सोचेंगे और न ही मास्टर त्रिलोचन वाला नाटक दोबारा करेंगे। वास्तव में उस दिन के बाद से न हॉस्टल में रैगिंग हुई और न ही मास्टर त्रिलोचन के भूत ने किसी को परेशान किया। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।